दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग फोन आ गया है, टेक्नो कैमॉन 20 प्रीमियर 5G। अब टेक्नो कैमॉन 20 सीरीज के बारे में बात करूं तो उसमें 4G फोन्स भी है, 5G फोन्स भी है, 15,000 के नीचे भी है। अगर टेक्नो कैमॉन 20 प्रो के बारे में बात करूं तो वो अंडर 20,000 आ जाता है। ये जो फोन है ये अंडर 30,000 आने वाला है। अब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तो मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है, बट आई नो फॉर श्योर दैट इट विल कम अंडर 30,000। और इंटरेस्टिंग फोन मैंने क्यों बताया, पहला फोन है दोस्तों जिसमें 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अभी तक हमने शायद फ्लैगशिप लेवल में या प्रीमियम मिड रेंज में 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड देखे हुए, बट 108 मेगापिक्सल का अभी तक नहीं देखा हुआ है। वैसे इसमें नई डायमेंसिटी की चिपसेट भी आती है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। सो ओवरऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग फोन। एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, टेक्नो इज डेफिनेटली ट्राइंग एंड ट्राइंग हार्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो पहले ऐसे नहीं था लेकिन अब चेंज हो गया है, अच्छे फोन ला रहे हैं, अच्छे हार्डवेयर के साथ ला रहे हैं। अब ये टेक्नो कैमॉन 20 प्रीमियर कैसा है देखेंगे। ऑलराइट, राइट अप फ्रंट फोन, फ्लैट साइड, ओके बताएंगे सब कुछ बताने वाला हूं। और क्या है बॉक्स के अंदर वो देखते हैं। 12 मंथ्स वारंटी, ओके वारंटी कार्ड आता है, यूजर मैनुअल है। देन व्हाट इज दिस, ओ लवली केस, मतलब आफ्टर मार्केट आप जैसे बाय करते हो वैसी है। एंड लुक एट दिस पेंटागन शेप का कैमरा, ये ऐसा कैमरा मॉड्यूल है, ओ वाओ। बट केस इज एक्सीलेंट, गुड क्वालिटी केस, 45 वॉट का अडैप्टर इनसाइड द बॉक्स आता है, सो दैट इज गुड। देन यू हैव यूएसबी टाइप सी टू टाइप ए केबल एंड सिम कार्ड टूल, दैट्स अबाउट इट। चलिए लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड एंड देखते हैं फोन के पास। ओ वाओ, वेरी वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग दिखने वाला फोन है दोस्तों ये। ओ वाओ, लुक एट दिस, ये लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये देखिए। एंड लुक एट दिस मॉड्यूल, और ये एलईडी लाइट देखिए, उसके बीच में सेंसर है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लुकिंग फोन, इनफैक्ट मैं कहूंगा अच्छा है दिखने के लिए। और ये वेगन लेदर फिनिश है एंड विद दोज लाइंस, फ्लैट साइड्स हैं जी हाँ, बट शाइनी है। अगर पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप सी, माइक्रोफोन एंड सिम कार्ड ट्रे, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल है, मतलब स्टीरियो स्पीकर्स हैं। देन यू हैव नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर है। एंड नहीं, ये लग तो रहा है कि साइड माउंटेड है, बट साइड माउंटेड नहीं है दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। इट्स अ स्टर्डी फोन, ऐसा बड़ा लगता है हाथ में, स्क्वेरिश है, मतलब ऐसे कहूंगा बॉक्सी डिजाइन है। वैसे दोस्तों स्टर्डी है, लेकिन अगर मैं वेट के बारे में बात करूं, शुड बी अबाउट 200 ग्राम्स। देखते हैं 201.1, सो 1 ग्राम से मैं थोड़ा दूर था, बट या इट इज अबाउट 200 ग्राम्स। वैसे आता है क्या इसके ऊपर, हाँ चलिए निकालते हैं, लेट्स रिमूव दिस। अरे यार आवाज ही नहीं आया, आवाज आना चाहिए, उसमें जो मजा है वो अलग ही है। ऑलराइट, देख लिया बाहर, गिरा के देखना है। वैसे प्रोटेक्शन पता नहीं है दोस्तों, ग्लास प्रोटेक्शन जो है, सो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड 200 ग्राम्स का फोन है और मैं 3-3.5 फीट की ऊंचाई से गिराने वाला हूं, सो लेट्स सी। 1, 2, 3, ठक, नहीं नथिंग। पीछे की तरफ तो वेगन लेदर। वैसे एक बात बताना भूल गया दोस्तों, ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, दैट्स सेरामिक, जी हाँ, सो शाइनी है, दैट मस्ट हैव कॉस्ट quite a lot. Ceramic means it's expensive material. Gira ke dekhte hain, expensive or inexpensive. 1, 2, 3. Nahi, absolutely nothing. Very, very nice. All right, bahar se dekh liya dosto. Ab let's see inside. वैसे लगे हाथ दोस्तों, अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छे लगते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आई मीन आजकल लोग ज्यादा सब्सक्राइब नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई, वीडियो अच्छे लगते हैं, बहुत व्यूज भी आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, वी फील गुड। ओ वाओ, ये डिस्प्ले देखिए दोस्तों, आई मीन साइड के बेजल सही में पतले हैं, ऊपर का बेजल और नीचे का चिन भी सेम साइज का है, सो यू नो वेरी नाइस एंड स्क्वेरिश। आगे से भी देखोगे स्क्वेरिश डिजाइन ही है कंप्लीटली, लुक एट दैट, बट इट लुक्स मॉडर्न, ऐसे लगता नहीं है कि टेक्नो का फोन है, आई विल बी ऑनेस्ट, आई मीन दिस लुक्स प्रीमियम। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, 6.67 इंच का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले आता है इसके अंदर। ये 10-bit डिस्प्ले है, HDR10 का सपोर्ट है। एग्जैक्टली ब्राइटनेस पता नहीं है, बट इट इज वेरी वेरी ब्राइट। अभी ये देखिए, ये जो ब्राइटनेस है बेसिकली हार्डली 20% है, आई थिंक इट शुड बी अबाउट 900-950 या 1000 निट्स ब्राइटनेस है। इसमें हाई ब्राइटनेस मोड भी आता है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। ये आता है डायमेंसिटी 8050 इस प्रोसेसर के ऊपर। हमने 8020 भी देखा हुआ है, बट दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट फोन डायमेंसिटी 8050 के ऊपर है। अगर मैं दोनों में डिफरेंस के बारे में बात करूं तो इसमें जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो
3 GHz पे क्लॉक्ड है, 8020 में वो जो 3 या 4 परफॉर्मेंस कोर्स है वो सब 2.6 GHz पे क्लॉक्ड है, तो परफॉर्मेंस में स्लाइटली बेटर। 8 GB रैम आती है एंड 512 GB स्टोरेज टाइप है। वैसे मैंने सिम कार्ड ट्रे देखा नहीं है, लेट्स सी क्विकली, लगे हाथ देख लेते हैं। मतलब 512 GB स्टोरेज है इसके अंदर एंड सिम कार्ड अगर हाइब्रिड होगा तो पूछिए मत, अनलिमिटेड स्टोरेज आप कर पाओगे। नहीं नहीं, ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, एक ही वेरिएंट है एंड उसमें 512 GB स्टोरेज टाइप आती है। वैसे आपको बता दूं कि 8 GB रैम है लेकिन बॉक्स के ऊपर 8+8 लिखा हुआ है। 8 GB वर्चुअल रैम आती है, 5000 mAh की बैटरी एंड 45 W चार्जिंग है, 0-70% In just 30 minutes. चलिए अब UI के बारे में बात करते हैं। इनका iOS 13 आता है, which is based on Android 13. Updates के बारे में बताया हुआ नहीं है, लेकिन एक PR मैंने पढ़ा था दोस्तों, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि this Tecno Come On 20 series के जो phones हैं, those will be the first phone to come on Android 14 beta. तो शायद वो होगा, but अभी तक clarity उसके बारे में नहीं आई है। वैसे अगर iOS 13 के बारे में बात करूं, 2-3 अच्छे फीचर्स हैं दोस्तों एंड आई लाइक देम। एक तो जब चार्जिंग को रखते हो तो 100% होने के बाद चार्जिंग कंप्लीटेड टोन आती है, तो आपको पता चलता है कि चार्जिंग कंप्लीटेड है। और भी फीचर्स AOD वगैरह है, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत है, लाइव वॉलपेपर्स वगैरह है, सो यू नो इट इज इंप्रूविंग डेफिनेटली। बट ये नोटिफिकेशन पैनल देखिए किसकी याद दिलाता है, जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई वॉन्ट टू नो। 8 GB वर्चुअल रैम के बारे में बता दिया, गेम मोड वगैरह आते हैं। अगर ब्लोटवेयर्स के बारे में बात करूं तो थर्ड पार्टी ज्यादा नहीं है, बट हाँ फर्स्ट पार्टी एप्स, खुद के जो एप्स हैं वो बहुत सारे हैं, अनइंस्टॉल कर पाओगे बट दे आर देयर। चलिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो अंतुतु स्कोर है ऑन पेपर 675,000-680,000 के करीब आता है, विच इज वेरी गुड। याद रखिए हमने इसके ऊपर पबजी COD मोबाइल वगैरह खेल के देखा, हाईएस्ट सेटिंग पे आप खेल पाओगे एंड गेम प्ले इज ऑल्सो वेरी गुड। डिस्प्ले इतना अच्छा है दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले, ब्राइट डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह, तो मल्टीमीडिया गेमिंग के लिए ऑल्सो दिस इज अ ग्रेट फोन डेफिनेटली। चलिए इंपॉर्टेंट कैमरा की तरफ बढ़ते हैं। पीछे का जो सर, एक तो कैमरा मॉड्यूल देखिए दोस्तों, आई मीन आई हैव टू गिव कि टेक्नो ने कुछ तो भी अलग ट्राई किया है। दिस इज अ सेरामिक मॉड्यूल, ये अगर आप देखोगे ऊपर से दिखने को बहुत प्रीमियम दिखता है। वैसे प्राइमरी सेंसर जो है वो 50 MP का है विद सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी। अब OIS जैसे होता है वैसे ही कुछ है, बट इट इज बेटर देन OIS। सेकेंडरी सेंसर 108 MP का अल्ट्रा वाइड आता है, यस। और आप जनरली नॉर्मली अल्ट्रा वाइड निकालोगे तो 12 MP में निकालोगे, लेकिन आप 108 MP नेटिवली भी अल्ट्रा वाइड यूज कर सकते हो, सो दैट इज नाइस। एंड जो तीसरा सेंसर है, दैट इज 2 MP का AI सेंसर है, सो दैट इज देयर, उसके बारे में नहीं बात करते, बट डिसेंट फोटोग्राफ्स वगैरह आते हैं। हाँ थोड़े ग्रेन्स वगैरह कभी कभी दिखते हैं, बट अदर देन दैट क्वाइट गुड। नॉर्मल कंडीशंस में हमने ट्राई किया, याद रखिए फर्स्ट इंप्रेशन है, ज्यादा डिटेल में हमने नहीं देखा हुआ है, लेकिन जब तक ये वीडियो चला जाएगा बहुत सारे फोटोज हम निकाल के डालने वाले हैं। ओरिजिनल क्वालिटी में देखिए अगेन जी ड्राइव लिंक। और हाँ बताना भूल गया दोस्तों, जो प्राइमरी सेंसर है वो RGBW प्रो सेंसर है, तो उसकी जो लाइट सेंसिटिविटी है वो ज्यादा है, तो लो लाइट में भी वो अच्छे फोटोज निकालेगा, सो दैट इज देयर, तो कलर्स वगैरह अच्छे दिखेंगे। वैसे सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं तो अगेन 32 MP का सेल्फी सेंसर मिलता है विद ड्यूअल LED लाइट्स। इधर आगे की तरफ 2 LED लाइट्स है, इसका मतलब जब लो लाइट में अंधेरे में आप फोटो निकाल रहे हो सेल्फी, वो चालू करोगे तो ज्यादा ब्राइट आएगा, सो दैट अगेन इज क्वाइट गुड टू बी ऑनेस्ट। मतलब हार्डवेयर के मामले में टेक्नो हैज गॉन ऑल आउट विद दिस टेक्नो Come On 20 प्रीमियर 5G। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं दोस्तों, 4K 30 FPS रेयर से शूट कर पाओगे एंड इवन इन फ्रंट 2K 30 FPS आप शूट कर पाओगे। इनफैक्ट और एक फीचर है सेल्फी में दोस्तों, पैनोरमा, मतलब वाइड आपको सेल्फी निकालनी है वो भी कर पाओगे पैनोरमा जैसा, सो दैट मोड इज ऑल्सो देयर। वैसे इसका जो 108 MP का अल्ट्रा वाइड है उससे आप मैक्रो फोटोज भी निकाल पाओगे, एकदम पास से आपको निकालने हैं, सो दैट इज व्हाट कैमरा इज। हार्डवेयर, डिस्प्ले, कैमरा, ऑल थ्री आर रियली गुड, आई मीन ऑन हार्डवेयर फ्रंट एटलीस्ट। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो एक्सीलेंट, ऑल 5G बैंड्स आर सपोर्टेड, 5G फोन है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्यूअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6 आता है, अगेन दैट इज वेरी नाइस, एंड ब्लूटूथ 5.3 का भी सपोर्ट है, सो कनेक्टिविटी के मामले में भी इट इज राइट अप देयर। सेंसर्स सभी आते हैं, नहीं साइड माउंटेड नहीं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक भी है, works very well. FM radio जो है वो है इसके अंदर, so that is good. वैसे interesting है दोस्तों, generally techno जो है mid range या budget range में ज़्यादा phones launch करता था, but they are slowly inching up. और आप लोग जो है दोस्तों वो भी आजकल ज़्यादा महंगे phones prefer करने लग गए हो। I think Tecno Come On 20 Premier 5G जो है price point के हिसाब से अच्छा आता है, exact price नहीं पता, under 30,000 है इतना पता है, but उस हिसाब से they are giving great hardware, that is for sure. हाँ छोटी छोटी चीजें हैं जैसे अपडेट्स के बारे में क्लैरिटी वगैरह नहीं है, बट अदर देन दैट हार्डवेयर वाइज कैमरा वगैरह मुझे अच्छा लगा इस फोन का। वैसे आपको इस डिजाइन के बारे में क्या लगता है? मुझे आई मीन इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, कुछ तो भी नया ट्राई किया है, दैट इज फॉर श्योर। आपको कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वैसे वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।